वेलकम बैक टू माई चैनल नेहा लव्स फैशन। सो इन टुडेज़ वीडियो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेकअप लाइक अ पंजाबन ट्यूटोरियल आफ्टर वेडिंग। सो गाइज, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा और टिकटॉक आईडी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का प्रेप एंड ब्राइटन रोज, ये फेशियल ऑयल है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेरी स्किन पे सूट होता है। सो अच्छे से मैंने 2 ड्रॉप्स इसकी ली हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की सनस्क्रीन, ये SPF 50 के साथ है और मेरी स्किन को सन की हार्मफुल रेज से अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी। सो फेस और नेक पे आपको इसे अप्लाई करना है। तो गाइस, इसके बाद आपको लगाना है प्राइमर। तो मैंने यहाँ पे लिया है पर्पल का 24 कैरेट, ये प्राइमर है और सिलिकॉन बेस में आता है। हल्का सा आपको लेना है, पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है ताकि जितने भी आपके फेस पे ओपन पोर्स है वो सब फ्लेयर आउट हो जाए और फाउंडेशन जब आप लगाओ तो आपका फाउंडेशन काफ़ी नेचुरल तरीके से लगे। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का प्रो कवरेज HD फाउंडेशन और इसमें मेरी शेड है फेयर। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्विकी का लूज पाउडर, जो भी मैंने फाउंडेशन लगा है उसे अच्छे से सेट करने के लिए। यहाँ पे मैंने पाउडर निकाल लिया है और अपने फिंगर टिप की हेल्प से इस तरीके से इसे अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। नाउ गाइज, इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्जर। नाउ इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी ब्लश इन दी शेड रोज है मेरी 30 और इसे एक ब्लश ब्रश की हेल्प से मैं अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। नाउ गाइज, अब बारी आती है आईब्रोज की। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर्स का आई ब्राउन, सो इसमें मेरी शेड है 01। नाउ गाइज, अब बारी आती है आई मेकअप की। फॉर ट्रांजिशन शेड में यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्जर और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बिग ब्लेंडिंग ब्रश का। सो फर्स्ट मैं अपनी क्रीज एरिया को डिफाइन कर रही हूँ। नाउ गाइज, इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर का ऑब्जेशन पैलेट एंड ये अंडर 200 रुपीज़ बेस्ट है और इसमें मेरी शेड है 04। सो गाइज, फर्स्ट इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ ये शेड। नाउ आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश और फर्स्ट मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ ऑरेंज शेड। नाउ गाइज, इसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश का मैं यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। देन इसके बाद इसे लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज, ऑफ कैमरा मैंने लैशेज अप्लाई कर ली है। नाउ इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का इंस्टा लाइनर। सो गाइज, एज यू कैन सी मैंने सिंपल सा आई लुक यहाँ पे क्रिएट किया है और लाइनर कुछ इस तरीके से अप्लाई किया है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेलवोस्टे का गोल्ड लाइनर और इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ। सो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल की मैट लिपस्टिक इन द शेड क्राइम पार्टनर 20 एंड ये परफेक्टली मेरी ड्रेस से मैच कर रही है।
आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का आई लव मेकअप ये हाइलाइटर किट है गाइज, बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो इसमें मेरे पास 2 शेड्स हैं एंड लास्ट में यूज कर रही हूँ कलर बार का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। नाउ गाइज इट्स टाइम फॉर हेयर स्टाइल, सो मैं 2 पार्ट्स में अपने हेयर को डिवाइड कर रही हूँ। इसके बाद आपको टिक टैक पिन का यूज करना है। नाउ इसके बाद फर्स्ट मैं फ्रंट से इस तरीके से अपने हेयर को ट्विस्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ। नाउ गाइज इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ परांदा। सो गाइज नेक्स्ट मैं वियर कर रही हूँ ये कंगन। सो गाइज दिस इज द फाइनल मेकअप लुक एंड आई रियली होप कि आपको मेरा ये मेकअप लाइक अ पंजाबन ट्यूटोरियल पसंद आया हो आफ्टर वेडिंग। पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टा और टिकटॉक का लिंक मेंशन है, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई।